हेलो, मेरा नाम डॉक्टर दीपक केळकर है। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन, व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। हमारा अकोला में हॉस्पिटल है, महाराष्ट्र में अकोला में हॉस्पिटल है, जहाँ मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को भर्ती करके इलाज करते हैं। एक हमारा हॉस्पिटल है जहाँ हम मनोरुग्ण और व्यसनी लोगों को रिश्तेदारों के साथ में भर्ती करते हैं और उनका इलाज करते हैं। और दूसरा हॉस्पिटल है कि जहाँ रिश्तेदारों के अलावा मनोरुग्ण और व्यसनी जो लोग हैं उनको भर्ती करते उनका इलाज करते हैं। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अच्छा मैनेजर कैसा होता है और अच्छा मैनेजर किस तरह से बिहेवियर करता है, किस तरह से मैनेज करता है। यह कुछ जानकारी मैं किताब पढ़ रहा था, 1 मिनट मैनेजर, केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन, इनका एक किताब है। तो उनने किताब में लिखा है कि भाई मैनेजर कैसा अच्छा होता है। मतलब हमको क्या है, हमको मालूम है कि दो प्रकार के मैनेजर होते हैं। एक होता है कि ऑटोक्रेटिक मैनेजर और एक होता है डेमोक्रेटिक मैनेजर। होता क्या है कि ऑटोक्रेटिक मैनेजर जो है वो मैनेजर कंपनी के लिए अच्छा काम करता है, वो रिजल्ट्स प्रोड्यूस करता है, मगर कर्मचारी लोगों में वो लोकप्रिय नहीं रहता। और दूसरा है डेमोक्रेटिक मैनेजर जो है वो कर्मचारियों में बहुत प्रिय रहता है, लोकप्रिय रहता है, मगर कंपनी के लिए वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं करता। तो दोनों मैनेजर प्रॉब्लमेटिक है वैसे देखा जाए तो। हमको ऐसा होना कि ऑटोक्रेटिक और डेमोक्रेटिक मैनेजर का संतुलन कैसा बनाया जाए और ऐसा मैनेजर कैसा रहेगा कि जो रिजल्ट भी प्रोड्यूस करेगा, कर्मचारी लोगों में भी लोकप्रिय रहेगा, काम भी अच्छा होगा, कंपनी का भी विकास होगा और अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तो इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो इस प्रकार की है कि नंबर 1, गोल सेटिंग। यह मैनेजर कर्मचारी लोगों का और कंपनी का गोल एक जैसा होना चाहिए, इसलिए लोगों को उसमें क्लैरिटी लाता है और गोल सेट करता है। तो गोल्स एकदम क्लियर रहते हैं, कर्मचारियों को मालूम रहता है कि कंपनी के गोल्स क्या है, नंबर 1। नंबर 2 कि कर्मचारी यानी गोल यदि फुलफिल होता है, मतलब उद्देश्य फुलफिल होता है, रिजल्ट्स फुलफिल होते हैं, तो वो कैसा दिखेगा उसका भी पिक्चर वो तैयार करता है। कि कर्मचारियों को मालूम रहता है कि गोल्स जो है वो फुलफिल करना, मतलब करना क्या है। गोल्स जो है वो 250 शब्दों में से कम शब्दों में लिख के रखना वो जरूरी है कि हर कर्मचारी को मालूम है कि हमारे गोल्स क्या है। और वो रिपीटेडली पढ़ते हैं, बार 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 पढ़ते हैं। और ये होता है कि बार 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 ये उनको बताना पड़ता है कि हमारा जो बिहेवियर और हमारा जो बर्ताव है वो गोल को अनुरूप है कि नहीं है, मतलब हमारा बिहेवियर कंसिस्टेंट है क्या। तो वो करता क्या है कि एक तो गोल लिखे हुए हैं, गोल्स क्लियर है, कर्मचारी उनको मालूम है कि बार 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 गोल्स पढ़ के हमको गोल्स कौन से अचीव करना है, रिजल्ट्स कौन से अचीव करना है। और हमारा जो बिहेवियर है वो बिहेवियर अपने गोल्स के मुताबिक कंसिस्टेंट है क्या, अनुरूप है कि नहीं है। तो कंपनियों के गोल जो है वो कंपनी के गोल कर्मचारी लोगों को क्लियरली मालूम होते हैं। तो ये हो गया गोल सेटिंग। तो ये सबको मालूम है कंपनी में कि गोल्स क्या है। नंबर 2 एस्पेक्ट है वो है प्रेजिंग, मतलब तारीफ करना, प्रशंसा करना। होता क्या है कि प्रशंसा जो ये जो मैनेजर रहते हैं जो लोकप्रिय भी रहते हैं और रिजल्ट भी प्रोड्यूस करते हैं, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ दोनों रहते हैं। वो बताते हैं पहले कर्मचारियों को कि भाई आपको जो है हम प्रेस काय के बारे में करने वाले हैं, मतलब कौन सा रिजल्ट्स आप अचीव करेंगे तो हम आपको प्रेस करेंगे, प्रशंसा करेंगे। तो कर्मचारी मालूम रहता है कि मैंने क्या किया तो मुझे प्रशंसा मिलेगी। नंबर 2, प्रशंसा जो है वो तुरंत देना पड़ती है, ऐसा नहीं कि आज अच्छा काम किया तो 1 महीने बाद आप प्रशंसा देंगे। नंबर 3, प्रशंसा काय के लिए दे रहे हैं वो कर्मचारी को बताना पड़ता है कि मैं प्रशंसा दे रहा हूं वो काय के लिए दे रहा हूं, उसने क्या अच्छा किया कि उसके लिए मैं प्रशंसा दे रहा हूं। फिर नंबर 4, भाई जब मैनेजर प्रशंसा करता है तब मुझे कैसा लगा, मतलब मैनेजर को कैसा लगा, मुझे बहुत अच्छा लगा और आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत जरूरी है, इम्पॉर्टेंट है, महत्व का है, वो उसको फील करवा देना। और नेक्स्ट है कि भाई आप और अच्छा काम करेंगे तो आपकी और अच्छी प्रशंसा होंगी, आपको अच्छे रिवार्ड्स मिलेंगे। तो इन शॉर्ट कर्मचारियों को पहले मालूम रहेगा कि भाई मैंने कौन सा काम किया तो प्रशंसा होंगी, कर्मचारी को मालूम रहेगा कि प्रशंसा होने वाली है, लोगों को मालूम रहेगा कि प्रशंसा तुरंत मिलने वाली है और तुरंत प्रशंसा देनी है,
दूसरा है कि भाई अच्छा काम करने के बाद में मुझे कैसा लगा, मुझे कितना अच्छा लगा, और आप कितने इंपॉर्टेंट हो, आपने जो काम किया वो कितना इंपॉर्टेंट है, वो भी उसको बताने का है। फिर उसके साथ में प्रशंसा करने के बाद में थोड़ा सा साइलेंस में रहने का है, थोड़ा मोमेंटरली साइलेंस, ताकि आप उसके साथ में हो। प्रशंसा करने के बाद में जस्ट बीइंग विथ हिम, जस्ट उसके साथ में आप है। और नेक्स्ट उसको एनकरेज करना, बढ़ावा देना कि आप ऐसे काम करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आपको अच्छी प्रशंसा मिलेगी। तो पहला हमने देखा कि भाई गोल सेटिंग सबको मालूम है, पहला सीक्रेट। नंबर दो जो सीक्रेट है वो है प्रशंसा करना या तारीफ करना। और तीसरा जो है वो है रिप्रीमांड। रिप्रीमांड करना मतलब ताने देना या उसको क्रिटिसाइज करना या उसकी गलती बताना जो भी उसने किया हो। तो उसमें भी क्या है कि कर्मचारियों को बोलना पड़ता है कि तुमने गलती कौन सी किया, फिर तुरंत बताने का है करने का, करने के बाद में कौन सी गलती किया। जो भी बोलना है वो अकेले में बोलना है, सबके सामने बोला तो उसका इंसल्ट हो जाता है, तो सबके सामने नहीं बोलना। आपको कैसा लगा, कर्मचारी ने गलती किया तो मुझे कैसा लगा, वो भी आपने बोलने का है। और ये बोलने के बाद में जस्ट साइलेंस में रहने का है, एकदम शांति रखना है कुछ सेकंड के लिए। नेक्स्ट उसको हाथ लगा के उसको बोलना है कि भाई आई एम सपोर्टिंग यू, मैं आपको सपोर्ट करने वाला हूं, मैं आपको मदद करने वाला हूं, मैं आपके भलाई के लिए बोल रहा हूं, और आप गिर गए तो मैं आपके साथ में हूं। तो उसको स्पर्श करना, टच करना, और उसको यह भी बोलना कि आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, आप मेरे लिए बहुत महत्व के व्यक्ति हो। आपने जो किया वो गलती हो गई, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो गलती आपने की है, आप गलत इंसान नहीं हो। तो वो भी उसको बोलना, और ये बोलना कि भाई जो हो गया वो हो गया, चलो भी नेक्स्ट क्या संभव है वो देखने का है। तो इसे रिपीट करता हूं मैं, नंबर एक कि कौन सी गलती किया उसके बारे में उसको दोष देना या उसको जो भी बोलना है बोलने का है। नंबर दो भाई मुझे कैसा लगा आपने गलती किया तो वो बोलने का है। नंबर तीन ये बोलने के बाद में या उसको उसके ऊपर मतलब गुस्सा करना या जो भी आपने उसको बोला कि भाई तूने ये किया गलत किया है, ऐसा गलती आप बता रहे हैं, दोष बता रहे हैं, तो उसके बाद में साइलेंस में रहना। नेक्स्ट उसको स्पर्श करके बताना कि बस मैं आपके साथ में हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपने गलती किया तो मैं आपके साथ में हूँ। नंबर चार कि भाई आप मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल हो, महत्व के व्यक्ति हो, आपने गलती किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं। और नेक्स्ट अभी जो हो गया वो हो गया, अभी क्या संभव है। तो गलती भी किया तो भी तुरंत गलती बताने का है, और उसको ये महसूस होने देना है कि भाई नहीं, ये जो मैनेजर है मेरे साथ में है, मैंने गलती किया तो भी गलती बताई जाएंगी, मगर गलती के लिए ऐसा नहीं होगा कि बहुत बड़ी सजा होंगी, और तभी भी ये मैनेजर मेरे साथ में है। तो अच्छा मैनेजर बोलता है कि आप गलती करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ एक गलती दोबारा नहीं करना है, जितनी भी गलती किया तो ऑल मिस्टेक्स आर रिवार्डेड, नो प्रॉब्लम, सिर्फ मिस्टेक जो है मतलब गलती जो है वो बार बार नहीं करना है। तो जो भी गलती के लिए बताने का है वो तुरंत बताने का है, उसके साथ में रह के बताने का है, साइलेंस में रहने का है, उसको बोलना है कि भाई तूने गलती किया मगर तू महत्व का आदमी है और मैं तेरे लिए खड़ा हूँ, मैं तेरे लिए सपोर्ट में हूँ, और जो भी हो गया वो हो गया, अभी आगे बढ़ क्या करता है। तो इस तरह से यदि हम लोगों को हमारे साथ में जो लोग काम कर रहे हैं उनके साथ में इस तरह का हम बर्ताव करते हैं तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, बहुत अच्छा आउटपुट मिलेगा, हमारे स्टाफ की उत्पादन क्षमता बहुत ज़्यादा मिलेगी, और आपको ऐसा प्रॉब्लम होगा कि आपके साथ में ऐसे बहुत लोग काम करने वाले होंगे जो काम करते नहीं हैं, और आपको प्रॉब्लम आता है कि भाई क्या करूँ मैं, इनसे काम कैसा निकालूँ। तो आप ये जरूर जो मैंने तरीके आपको बताए वो आप अपनाएंगे तो जरूर आपको इसका फायदा होगा। आपको अच्छा लगा तो ये किताब जरूर पढ़िएगा, केन ब्लैंचर्ड और स्पेंसर जॉनसन का एक किताब है 1 मिनट मैनेजर। आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर, फेसबुक ग्रुप के ऊपर शेयर करो। थैंक यू वेरी मच।